बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने सक्सेस का डंका बजाने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने जब से हॉलीवुड एक्टर निक जोनस से शादी की है तब से ये आए दिन इंस्टाग्राम पर अपने पति के साथ अपनी प्यारी प्यारी फोटोज अपलोड करती रहती है जिसमें इनकी हैप्पी मैरिड लाइफ साफ साफ झलकती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने पति का सरनेम हटा दिया है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वो तलाक लेने के मूड में है। तो इसी से जुड़ी जानकारी आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, मगर उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। तो बॉलीवुड की सक्सेसफुल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को तो सभी जानते ही हैं, जो कि हॉलीवुड एक्टर निक जोनस के साथ शादी कर चुकी है और अब ज्यादातर हॉलीवुड की फिल्में और प्रोजेक्ट में ही काम करना पसंद करती है। मगर जब से इन्होंने निक जोनस से शादी की है तब से इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती है और आए दिन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पति के साथ प्यार भरी तस्वीरें पोस्ट करती रहती है। मगर हाल ही में इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पति का सरनेम हटाकर बवाल के साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है, जो कि ये है कि कहीं प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस से तलाक तो नहीं लेने वाली। आखिर इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रियंका चोपड़ा जोनस से सिर्फ प्रियंका क्यों कर लिया है। तो आपको बता दें शायद इन दोनों के बीच में काफी तकरार चल रही है या फिर दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई है, इसलिए प्रियंका चोपड़ा अपने पति का सरनेम हटा चुकी है और हो सकता है कि ये उनसे तलाक लेने की भी तैयारी में हो। मगर इतना बड़ा कदम कोई यूं ही नहीं उठाता और अगर प्रियंका ने ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। साथ ही अगर ये उनसे तलाक नहीं लेना चाहती तो वो अपने पति का सरनेम हटाने के साथ साथ ये मेंशन भी करती कि उन्होंने आखिरकार ऐसा क्यों किया है, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इन सब बातों से यही लग रहा है कि शायद प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से तलाक लेने के मूड में है, पर इन बातों पर कंफर्मेशन प्रियंका और निक ही दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या प्रियंका चोपड़ा सच में निक जोनस से तलाक लेने वाली है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।